लखनऊ में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिति 2018 के प्रथम ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का कलेक्टर सभागार में सीधा प्रसारण नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, विधायक सहजनवा शीतल पांडे तथा जिलाधिकारी के विजयनंदन पांडे एवं अन्य अधिकारी गण एवं उद्यमियों के द्वारा देखा गया। कार्यक्रम के बाद वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को लगाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22% उद्योगों की स्थापना समिट के माध्यम से हो रही है, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास होगा। इस अवसर पर विधायक सहजनवा शीतल पांडे ने कहा कि उद्योगों को बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने उद्यमियों से अपील किया है कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार मुहैया कराएं, जिससे लोग यहां से बाहर न जाएं। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजयनंदन पांडे ने कहा कि जनपद में जिन व्यापारियों के द्वारा MOU साइन किया है, उनके उद्योग के शीघ्र स्थापना के लिए जो भी सहयोग आवश्यक होगा उसे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद की औद्योगिक विकास के लिए लैंड बैंक भी शीघ्र तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान ADM प्रशासन, CO क्राइम एवं अन्य विभागीय अधिकारी के साथ उद्योग बंधु मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सहजनवा के विधायक शीतल पांडे और जिलाधिकारी के विजयनंदन पांडेयन ने बताया। Nearly 1.9 lakh employment in our country. Thank you. Chairman Director S. इस
जहां शहरी जीवन को स्मार्ट और सुविधा संपन्न बनाने के लिए
और जिस कार्यक्रम में मैंने कमी दर्शन मिला था उत्तर प्रदेश के शहर और शहरों से जुड़ी कई अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और गरीब बेघर भाइयों बहनों को उनके अपने घर की चाबी सौंपने का भी मुझे अवसर मिला। और मुझे प्रसन्नता है आज उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े को ट्रांसफॉर्म करने परिवर्तन लाने के लिए यहां हम सब मिलकर के संकल्प करके आगे बढ़ने के दिशा में प्रवृत्त है। सदियों 5 महीने में जो दूसरी बात जब उद्योग जगत से जुड़े साथियों के साथ मैं आनंदों में मिल रहा हूं, इससे पहले फरवरी में यूपी इन्वेस्टर समिट के लिए भी मैं आया था और मुझे जानकारी दी गई है कि उस समिट के दौरान यूपी में 4.25 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का इरादा जताया गया है। और मुझे तो प्रसन्नता है उस संकल्प को जमीन पर उतारने की उस कड़ी में आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। हमारे सतीश जी पता नहीं आज क्यों संकोच से बोल रहे थे, बड़ी नम्रता और विवेक से ऐसा कह रहे थे जैसे 60,000 सिर्फ 60,000 आपको बहुत ज्यादा हो मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह के आया और औद्योगिक गतिविधि से जुड़े राज्य से आया। 60,000 कम नहीं होता है जी, 60,000 करोड़ बहुत बड़ा होता है। आपको अंदाज नहीं है आप लोगों ने कितना का अचीव किया। मैं यहां के अफसरों को भी बधाई देता हूं, ये आपने अकल्पनीय काम किया है। मुझे मालूम है कि पूंजी निवेश में कैसी कैसी चीजें आगे आती हैं। एनवायरमेंट वालों को पैसे लग जाए तो ऊपर चल जाता है और किसी अखबार वाले हाथ पे चल गया तो बस ही। फिर तो सरकार भी डर जाती है इसको काम दे या न दे, गवर्नमेंट नहीं कर सकते क्योंकि राइवलरी ग्रुप के लोग भांति भांति के खेल खेलते हैं। इन सारे संकटों को पार करते हुए 5 महीने के भीतर भीतर ये मोमेंटम लाना 60,000 करोड़ के पूंजी निवेश का काम प्रारंभ होना ये अद्भुत सफलता है जी। मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, छोटे छोटे मुलाजिम वहां का पटवारी भी वो भी आने नहीं आया तो अनुभव का जी। प्रधानमंत्री चला पाता है या तो पटवारी चला पाता है। जो प्रदेश आज शुरू हुए हैं इनमें यहां के 1.5 लाख से अधिक युवाओं को सीधा रोजगार मिलने का वादा है और अतिरिक्त जहां ये उद्योग लगेंगे फैक्ट्रियां लगेंगी वहां के स्थानीय लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिले। इन परियोजना से किसान हो श्रमिक हो युवा हो हर किसी को लाभ होने वाला है। साथियों मैंने यूपी की 22 करोड़ जनता को वचन दिया था उनके प्यार को आज समझ लौटा हूं। आज यहां जो परियोजनाएं शुरू हो रही हैं वो उसी वचन प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पुष्प नंबर है। ये प्रदेश
उत्तर प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक असंतुलन को दूर करने में भी सहायक है, क्योंकि ये राज्य के कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। इनका विस्तार नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर झांसी, हरदोई, अमेठी, रायबरेली और जौनपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर तक फैला हुआ है। ये प्रदेश डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया अभियान को नया आयाम देने की दिशा में भी बहुत बड़े कदम सिद्ध होने वाले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में तेज इंटरनेट सर्विस पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाना हो या फिर आईटी सेंटर स्थापित करने का काम, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी के विकास को नई गति, नई दिशा और नौजवानों को नया अवसर देने वाला है। उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य हक भी बनता है और इसलिए मैं 2 बार आऊं, 5 बार आऊं, 15 बार आऊं, आप ही का हूं, मैं आता नहीं हूं, ये भी आप ही का हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो प्रदूषण विभाग, सब लोग का एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म टाइप कर दिया, टाइम बाउंड करा दिया, एंड उसका सीएम साहब का जो सेल है वो डायरेक्टली मॉनिटर करते हैं। तो ऐसा नहीं जो आपका यदि ऑनलाइन आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद जो परमिशन आप लोग हर जगह जा करके फायर को लेते हैं, पीडब्ल्यूडी के लेते हैं, इधर लेते हैं, उधर लेते हैं, उसको जरूरत नहीं है। एक बार अप्लाई करने के बाद आराम से अपने आप हो जाता है। इस पर क्वेरी होता है तो आपको मेल चेक करना होता है, बस उसको कोई डाउट पूछना है तो आपसे पूछ करके क्लेम करते हैं। और बाकी जो भी सुझाव है आपका सीएम साहब का सिटी के नाते से, आप कभी भी आप सीएम साहब के सामने रख सकते हैं, हम लोग को बता सकते हैं। तो विकास का दृष्टि पर सीएम साहब और पीएम साहब तो बहुत खुशी लेते हैं, यही तो एक रास्ता है। और गोरखपुर का इससे अच्छा स्वर्णिम अवसर मिलेगा नहीं मुझे लगा, इसलिए उसको अवसर का फायदा उठाए सब लोग, यही आपसे कहना है। धन्यवाद। और कुछ आप लोग को कुछ कहना है? जो इंडस्ट्रीज इंटरेस्ट वाला जो मैटर था वो गलत इंटरेस्ट आरोपित किया गया था, तो वो अभी तक जो है वो समस्या सॉल्व नहीं है। वो जी गेड़ा रहा था, गेड़ा के इंटरेस्ट में बदल रहा जिन इंडस्ट्रीज में, तो ये दिक्कत नहीं है। कोई बात है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। माल 16 तक जो लगा देगा उसको ब्याज में छूट दे देंगे। जबकि चलते देखा है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 22% पूंजी निवेश पूर्व उत्तर प्रदेश में। माननीय सुरेन जी हम लोग उसे बहुत बार भेजते थे, हम लोग भी विधानसभा में ये सवाल बहुत बार उठाते थे कि पूर्व उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ। आज आपने स्वयं छोड़ा कि 22% निवेश पूर्व उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पूर्व उत्तर प्रदेश का मतलब कितनी इंडस्ट्रियल जोन है आप अच्छी तरह जानते हैं। कुल मिलाकर हम लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आप सबको इसके लिए धन्यवाद भी दूंगा, आभार भी प्रकट करूंगा। जो विषय आपने उठाया है तभी मुझको इसका जब आप बताएंगे तो हमारी भूमिका करने की होगी। लोगों ने कब्जा भी कर लिया और जो हमको उद्योग लगाना है वो देरी हो रहा है, बैंक से भी कोई लोन भी नहीं मिला है और सुरक्षा का मतलब वहाँ भी नहीं मिलता है। बिजली की भी समस्या आप लोग उठाए थे और ब्याज की भी समस्या उठाई, तो ब्याज के विषय में तो आप बड़े मंत्री के सामने आप बात किए थे,
सीएम साहब कह रहे हैं फाइनल हो गया है, तो अभी अंतिम स्टेज विधानसभा का फ्लोर है वो है, अगर कोई वास्तव में आपके साथ अन्याय हो रहा है तो विधानसभा के अंदर फैल जाएगा जी। और हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन इतना दिन हुआ गोरखपुर का किला उद्योग लगने के बाद अभी वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो भाई जिनकी जमीन ली गई है, जो कुछ योग्य हैं, बेरोजगार हैं, तो उद्योग विभाग आप लोगों से अनुरोध है कि लोगों को जो लोग स्थानीय हैं, कलकत्ता मुंबई जाने में सक्षम नहीं है, उनको रोजगार दिए मेरा देश का विकास हो रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है और हमारे गोरखपुर का विकास हो रहा है। ऐतिहासिक प्रगति है, हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तकरीबन 3500 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और हम लोगों को विश्वास है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ पूर्ववर्ती सरकारों में लगातार अन्याय होता था, उस अन्याय का हमें अब समाधान मिलने वाला है। कुल 3584 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनमें से आज 553 करोड़ की योजनाएं जमीनी धरातल पर सर्टिफाइड हो गई हैं, बाकी भी बहुत शीघ्र आगामी 5 महीने में हो जाएगी। चल के लिए हमारा शेयर जो है 22% हुआ है, पहले इतने शेयर हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं था और हमको बहुत अच्छा लगा कि आज हम उद्योग बंधु भाई लोगों के साथ बैठे, उनकी समस्या सुने, अपनी बात कहें और हमारे यहाँ माहौल बन रहा है कि अब लोग आवें और उद्योग लगावें, यही मेरा। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस विषय पर चर्चा हुई। ब्रेकिंग सेरेमनी है ये कार्यक्रम है जो आपको याद होगा, तो फरवरी में यहाँ एक निवेश मेला चली थी, माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के शुभारंभ किए थे, उसके अनुसार उस समय में तो करीबन तो 4 लाख करोड़ का जो अगले 3 साल के लिए MOU प्रामिस हुआ है, उसको 5 महीने के बाद अभी आज तो तकरीबन 60,000 करोड़ का निवेश का MOU साइन हो चुका है और 50,000 करोड़ का निवेश अभी पाइपलाइन में है। उस पर पूर्वांचल के भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिला है, खासतौर पे गोरखपुर में 7-8 उद्यमी लोग करीबन 500 करोड़ को ऊपर का निवेश करा चुके हैं और बाकी भी प्रोसेस में है। अब यहाँ तो 2000 करोड़ का अभी तो फिलहाल MOU साइन हुआ है, उसके 500 करोड़ का तो निवेश साइन हो चुका है, आगे काम चल रहा है। ये आपका उद्यमी के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उन लोग उद्यमी के साथ मीटिंग लिए थे, उद्यमी लोग काफ़ी खुशी हैं और आगे अपने प्लान को भी एक्सपेंशन करा रहे हैं, नया यूनिट भी लाने के लिए बहुत लोग तैयार हैं।